हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक शेयर है जो कि पेनी स्टॉक है। ठीक है, जील एक्वाइस से रिलेटेड बातें करेंगे। फाइनेंशियल फंडामेंटल, टेक्निकल, कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती, उन सब चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। बट उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है। चीजों को सीखने फोकस करने के लिए क्या करना है, ये वीडियोज है, इतनी सारी वीडियोज है, जाके देखिए, आपको बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा इन वीडियो से। ठीक है, आपके फाइनेंशियली फायदा होता हुआ शायद नजर आए, आपकी नॉलेज में फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अच्छे से सीखना है, आपको जानना है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल, रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, किस तरीके से चीजें यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है स्टॉक मार्केट में, वो पूरा का पूरा आपको पता चलती हुई नजर आएगी। बेसिक्स टू एडवांस ये कोर्स है, जहाँ पर 25,000 रुपए में आपको 3 मंथ्स की एनरोलिंग स्ट्रेटेजीज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। 88605405018169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। कोर्स करना चाहते हैं कोर्स करिए, कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, और साथ में काम करना है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जील एक्वा लिमिटेड की। जील एक्वा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 159 करोड़ रुपीज का इसका मार्केट कैप है। माइक्रो कैप शेयर है। जब मैं माइक्रो कैप शेयर की बात करूं तो याद रखिएगा कि एक तरीके से स्मॉल कैप कंपनी हो गई। जब शेयर भागेगा बहुत तेज भागेगा कि आपको बड़े अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे, कि कैसे शेयर 7 रुपए वाला तुरंत के तुरंत 15 रुपए भी हो गया, फिर उसके बाद 16 17 18 रुपए भी हो गया। और जब गिरेगा तो ये भी याद रखना कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 20 25 रुपए वाला शेयर कब कब में 5 6 रुपए हो गया वो भी। तो इसलिए सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है। अगर वो कर पाओगे तो अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा, और यही हम अपने इस कोर्स में भी सिखाते हैं। और दूसरा, जब मैं बात करूं यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर की, तो याद रखिएगा हमारी एक्सपर्टीज इसमें, हमारे चैनल का नाम भी इसलिए यही है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर। तो आप क्या कर सकते हो, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपनी करती क्या है। यहाँ पर देखिए 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये इज इन द बिजनेस ऑफ फार्मिंग, डेवलपिंग ऑफ, हार्वेस्टिंग ऑफ प्रॉन्स। ठीक है, प्रॉन्स के बिजनेस में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसी तरीके का काम एक स्मॉल कैप कंपनी और करती है, जो कि काफी जानी पहचानी कंपनी है। ठीक है, जो शायद परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, उस कंपनी का नाम क्या है मुझे कमेंट में करके देखिए बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कितना स्टॉक मार्केट में जानते हो, किन किन स्टॉक्स के बारे में जानते हो, है ना। अपनी तरफ से यहाँ पर सर्च भी करके देख लेना तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा स्टॉक है वो भी। तो यहाँ पर हम बात करें जील की, तो इंडिया टॉप श्रिम एक्सपोर्टर है। ठीक है, डिलीवरिंग एक्सीलेंस टू योर डोर, है ना। तो यहाँ पर इससे प्रॉन्स क्या होता है, एक तरीके का ये देखिए, ये है ना, ये जो अभी चलते हुए दिखाई दिए थे, ये प्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र में और समुद्री एरियो में, यहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा यहाँ पर खाया जाता है इन लोग इस चीज को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप इनके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इनके मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो जाके एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इस कंपनी के बारे में, आपको एक आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का पी की बात करें, 13 का पी है। जहां पर इस मार्केट में, जहां पर मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, ठीक है, जहां पर अच्छे शेयर, सस्ते शेयर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, जहां पर वैल्यूएशन का लफड़ा होता हुआ नजर आया कि यहाँ पर ये शेयर इतनी वैल्यूएशन पे है, ये शेयर इतनी वैल्यूएशन पे है, तो ये 13 की पी पे है। 41 का इंडस्ट्री का पी है, तो काफी सस्ता नजर आता है, 13 से 41 तक भी जाता है, तो मेरे ख्याल से आपके 3 गुना रिटर्न यहाँ पर बनते हुए ऐसे ही नजर आते हैं। ठीक है, बट इतना इजी नहीं होता कि मैंने कह दिया और इस तरीके से यहाँ तक पहुंच गया और 3 गुना रिटर्न हो गया, ऐसा नहीं होता। बट स्टिल जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। बुक वैल्यू 6 की है, उससे लगभग 1.94% ही यहाँ पर टाइम्स ही यहाँ पर ज्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 1 की नजर आती है। इंट्रेंसिक वैल्यू 11 की है, उसी के आसपास शेयर चल नजर आ रहा है। 18 का इसका 52 वीक हाई है, 52 वीक लो इसका 7 रुपीज पे था, 12 रुपए पे शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, यहाँ पर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, आप देख सकते हैं 2016 से किस तरीके से पहले भागा था फिर गिरा था, उस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके से यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू होती है नजर आती है, और इस बार कंपनी का 152 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू हुआ है, जो कि ईयरली और क्वार्टरली, है ना, ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। पिछले 12 क्वार्टर में भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है,
साथ में हम बात करें, कंपनी का एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो लगभग 5.67 करोड़ रुपीज के आसपास है। हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा, बट ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट एवर कह सकते हो, या फिर यहाँ पर कह सकते हो कि 2.35 करोड़ है, जो कि ईयरली क्वार्टरली दोनों बेस पे अच्छा खासा नजर आता है। ईपीएस कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मार्जिन भी ठीक ठाक, क्या छोटी कंपनी है तो इसी तरीके के इसके मार्जिन होते हैं, ठीक है, 3% 4% के मार्जिन पे चलती है। बट मार्जिन के बेसिस पे शेयर कभी चलता है, कभी कभी दूसरी तरीके से भी यहाँ पर शेयर चलता है, तो वो कभी आप हमारी क्लास में आओगे ना तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर अच्छे से खुल के बात कर पाएंगे। ईयरली बेस पे हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। कहाँ पर 72 करोड़ रुपीज की सेल्स थी, वो ही सेल्स यहाँ पर 12 साल के अंदर अंदर लगभग लगभग 441 करोड़ TTM बेसिस पर 400 करोड़ के आसपास की होती हुई नजर आ रही है। अच्छा खासा कंपनी ने मार्केट शेयर शायद लिया है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे 1 करोड़ रुपए से 8 से 12 करोड़ रुपए हाईएस्ट एवर पे चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा और देखोगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी के रिजर्व लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास है, जो की लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की बोरिंग भी साथ में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है 200 करोड़ रुपीज की, जो कि बोरिंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बोरिंग जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट कभी कभी ये छोटी कंपनी है, जैसे कि हमने बात करा 159 करोड़ रुपीज की, तो कंपनी को बड़ा बनने के लिए भी है ना, किसी इंसान को अगर बनना बड़ा बनना है तो ऑब्वियसली बात है बोरिंग लेना भी कहीं ना कहीं जरूरी पड़ जाता है, तो उस चीज को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। बट स्टिल बोरिंग यहाँ पर हम बात करें तो 14 14 16 16 करोड़ रुपए कंपनी अपना आधा प्रॉफिट तो ऐसे ही दिए जा रही है एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। कैश की बात करें तो कैश यहाँ पर हम बात करें कंपनी का शायद ठीक ठाक कैश होगा, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, हो जाएगा तब देखेंगे। पॉजिटिव कैश फ्लोज यहाँ पर नजर आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर और देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 68.42% की होल्डिंग है, जो कि एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। जहां पर दूसरी कंपनी में प्रॉफिट बुक किया जा रहा है, ठीक है, शेयर को निकाला जा रहा है, वहां पर प्रमोटर एकदम निश्चिंत बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपनी कंपनी कैसी कंपनी है। पब्लिक की बात करें 31% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, 31.59% की। बल्क डील यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, कोई बाई कर रहा है कोई सेल कर रहा है, वो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। अब बात करेंगे कंपनी के चार्ट से रिलेटेड, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमने एक शेयर दिया है, उसे जाके यहाँ पर देख लीजिएगा, समझिएगा उसके क्रोनोलॉजी। इसके अलावा जितने भी पिछली दिवाली पे जो शेयर दिया था वो 2 गुना से ज्यादा हो चुका है, उससे पहले जो शेयर दिया था पिछली दिवाली पे वो भी लगभग 1.5 गुना यहाँ पर शेयर होता हुआ नजर आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आते हैं, और शायद ये शेयर भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करके नजर आता है, दिखाई दे सकता है, तो जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जील एक्वा की बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो माइक्रो कैप शेयर है, ठीक है, पैनी स्टॉक है, तो पैनी स्टॉक के तरीके से बिहेव करिएगा। दूसरी बात, मेरे कहने पर को किसी और के कहने पर बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, जस्ट मैं अपने व्यू यहाँ पर रखता हुआ नजर आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो उस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। तीसरी बात कि रिस्की स्टॉक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर से रिलेटेड, तो हम जब शेयर की यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है अगर कोई यहाँ पर अगर मान के चलिए मैं ये यहाँ पर अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बाई कर भी रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक स्टॉप लॉस होगा जो कि लगभग लगभग 12 रुपए 30 पैसे का होगा। 12 रुपए 30 पैसे या 12 रुपए 20 पैसे के आसपास का अगर मैं बात करूं तो कितनी रिस्क बनती हुई नजर आ रही है, 12 रुपए 20 पैसे लेके चलता हूँ तो लगभग लगभग 3% के आसपास की ये मेरी रिस्क बन रही है। तो 3% की रिस्क है, इसके अगेंस्ट में जैसे ये शेयर यहाँ से भागेगा, ठीक है, 13 रुपए 14 पैसे को यहाँ पर क्रॉस करेगा, तो ये शेयर धीरे धीरे करके शायद सबसे पहले इसकी ये 16 रुपए 17 रुपए की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद ये 18 रुपए 18.5 रुपए की तरफ बढ़ेगा। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मंथली चार्ट पैटर्न पे जाए तो मंथली चार्ट पैटर्न पे आपको समझ में आएगा कि 2017 में ये शेयर लगभग लगभग 20 रुपए के आसपास था, ठीक है, वो लेवल इसने यहाँ पर देखे नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर 12 रुपए से यहाँ तक जाता है, तो एक अच्छे खासे रिटर्न आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जो लगभग लगभग 58% की यहाँ पर तेजी ये दिखाई देती है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और चीजें दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक कप बन रहा है,
कब बनने का, नीचे आके ये हैंडल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जिस दिन भी ये इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकलेगा, ठीक है, शेयर और भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव टारगेट और हिट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसके बेस पर टारगेट, तो उसके बेस पर जो टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं लगभग लगभग 2700 रुपए के। 2700 रुपए का मतलब है कहीं ना कहीं 150% तक के यहाँ पर रिटर्न ये हो गए। 58 से यहाँ पर 117% के रिटर्न यहाँ पर हो गए। सो 100% से ज्यादा के भी रिटर्न यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर चार्ट जाएगा तो और पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे तो शायद 200% भी ये शेयर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट उसके पीछे कंडीशन भी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर 2017 में हाईएस्ट एवर लेवल पे था। दिसंबर 2017 में सेल्स कितनी थी, 175-178 करोड़ रुपीज के आसपास थी, ठीक है। मार्च क्वार्टर देख लेते हैं, ये वाला 178 करोड़ थी, उसके अगेंस्ट में देखोगे तो डबल सेल है। प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ा है, मार्जिन भी कम हुआ है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये शेयर अभी लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का डबल होता हुआ नजर आया है, बट कंपनी को थोड़ा सा और अच्छे से काम करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस पे अपना काम करना होगा, एक्सपेंसेस देखना पड़ेगा कंपनी यहाँ पर कहाँ पर चूक करती हुई नजर आ रही है, कहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। जब ये चीजों पे काम कर लेगी ना, शायद ये शेयर और एक अच्छी हाई लेवल पे निकलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है। पेनी स्टॉक है तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि उसी तरीके से सोचना है, उसी तरीके से देखना है, ठीक है ना। किसी और के कहने पर, मेरे कहने पर ये नहीं लेना है, अपनी स्टडी खुद भी करनी है और उसके बाद आपको देखता हुआ नजर आना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके से अच्छे शेयर को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम यहाँ पर आपको चीजें और अच्छे से यहाँ पर बता सके, सिखा सके, और इन नंबरों पे नोट करके आप काम भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।